स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की ये फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। यहाँ पर पोएट अपसेट होकर के हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और अचानक एक क्रो जो पहले से ही उस वृक्ष पर बैठा हुआ है उसने मूवमेंट की और उसके कारण बर्फ़ नीचे गिरता है और पोएट जो अपसेट मूड में है उनका मूड चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी भावना को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में हमें बताया है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक क्रो जो है कौआ वो पेड़ पर हेमलॉक ट्री जो है वो अमेरिका में होता है, एक जहरीला पेड़ है, ट्री है, और उसके ऊपर ये क्रो बैठा हुआ है, नीचे पोएट बैठे हुए हैं, वो मूवमेंट करता है, वो डाली को हिलाता है और ऊपर से जो बर्फ़ है वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उनका जो मूड है वो अचानक चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और ऐसा उनके दिन का जो पार्ट था कि जो पहले रिव्ड यानी कि ख़राब हो गया था, बर्बाद हो गया था रिग्रेट के कारण, या रिग्रेट ने उसको पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, अब उसके बाद का जो उनका जो दिन है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि उनका वो समय जो है वो सेव हो गया, बच गया। यहाँ पर पोएट जो है एक प्रतीक के तौर पर क्रो का यूज़ करते हैं कि जो नेगेटिविटी का प्रतीक है। अपने आप में कौआ नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके ब्लैक कलर के कारण, उसके हार्श वॉइस के कारण शायद दुनिया उसको नेगेटिविटी का प्रतीक मानती होगी, और हेमलॉक तो वो जहरीला पेड़ ही है तो इसीलिए वो भी नेगेटिविटी का प्रतीक है। लेकिन ये जो वाइट स्नो है वो पॉजिटिविटी का प्रतीक है इस पोएम के अंदर। तो नेचर में कितनी ताकत होती है, कितना पावर होता है कि व्यक्ति जो है उसके मूड को वो एक छोटी सी घटना, एक ऐसी छोटी सी इंसिडेंट उसके पूरे मन को चेंज कर देती है। क्योंकि मन जो होता है व्यक्ति का वो किसी के वश में नहीं होता है, और उसी प्रकार यहाँ पर पोएट जो है वो अपसेट होकर के बैठे, उनका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अचानक जैसे ही स्नो उनके शरीर को छूता है, एक ठंडा बर्फ उनके शरीर को छूता है और उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो उनका सोरोफुल एंड एक डिप्रेशन वाली जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में से उनको डस्ट ऑफ स्नो जो है कि जो एक सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी है, नेचुरल जॉय एंड एनर्जी का ये सिंबल है क्या, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बराबर, वो उनको टच होते हैं तो अचानक ही उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल बर्ड्स नहीं, ब्यूटीफुल एनिमल्स नहीं, यहाँ पर रिवर्स नहीं, माउंटेन्स नहीं, लेकिन यहाँ पर हेमलॉक ट्री की जो एक नेगेटिविटी का एक प्रतीक है, और क्रो, इन दो चीज़ों को एक सिंबल के रूप में पोएट ने इस पोएम में यूज़ करके अपने पूरे मूड को किस प्रकार से उनका चेंज हो गया उसकी बात यहाँ पर हमारे सामने पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो पोएम में रखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, मैं उसका जवाब ज़रूर आपको दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।